सहारा से भुगतान न होने पर सैकड़ों महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। देवरिया जनपद के राम लक्ष्मण चौराहे पर सहारा इंडिया परिवार में अपना और अपने बच्चों का पेट काटकर पैसा जमा करने वाले आज अपना ही पैसा लेने के लिए सहारा इंडिया परिवार के ब्रांचों पर दर दर भटक रहे हैं। वहीं बुधवार को राम लक्ष्मण चौराहे पर महिलाओं और पुरुषों ने सहारा इंडिया परिवार से अपना ही पैसा न मिलने पर जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि जरूरत पड़ी तो यूपी के मुखिया व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाकर हम सब गुहार लगाएंगे। पीड़ित महिलाओं और पुरुषों ने रो रो कर अपना दुखड़ा मीडिया से सुनाया और कहा कि हम लोग एक एक रुपया इकट्ठा कर सहारा इंडिया परिवार में जमा किए थे। हम लोगों का सहारा इंडिया परिवार पैसा वापस नहीं दे रही है। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से मीरा देवी, मनीषा निषाद, गुड्डी नीलम ज्योति, जितेंद्र नारायण, संतोष गुप्ता, राधेश्याम, हरेंद्र शुक्लाल आदि लोग विशेष रूप से उपस्थित रहे। टीवी इंडिया 18 देवरिया ब्यूरो चीफ मोइन खान की रिपोर्ट। मनीषा जी, आज सभी महिलाएं हैं, इकट्ठा हैं, क्या बात है, क्यों इकट्ठा है? सब बहन का सहारे में पैसा जमा था जो अभी मिला नहीं है। सबका पूरा हो चुका है पैसा? पैसा पूरा हो चुका है, 4-4 साल 3-3 साल हो गया अभी पैसा, किसी का 8 साल भी हो गया, 5 साल हो गया अभी पैसा नहीं मिला। आपका कितना पैसा है? 3 लाख रुपए। 3 लाख क्यों जमा की थी, कैसे जमा की थी? हम लोग जमा किए थे अपने, हमारे ससुर रिटायर हुए जिसमें हमारा पैसा मिला, हम अपना पैसा उसमें जमा कर दिए ताकि हमारे बच्चे के भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए, उनके शिक्षा का आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा पैसा पूरा मिल जाए। आपका कहाँ पैसा जमा के लिए? सहारा में। क्या करे के? हम उन्होंने लेके तो पढ़े लिखे के और काहे के कितना जमा कैले बाड़ू? संतोष कुमार गुप्ता नाम है हमारा, रामकृष्ण चौराहे दुकान है, डेली का खाता हम लोग चलाते हैं, 800-1000 रुपये तक खाता हमने चलाया, 2012 से पेमेंट बंद है, पेमेंट नहीं हमारा हुआ, अभी तक चक्कर काटते हैं हम ज़्यादा दिनों से, जो कि अभी तक पेमेंट हमारा नहीं हुआ, तो उस समस्या का सामना हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसकी कोई निवारण किया जाए जो हम लोग पेमेंट हो जाए। यानी आपकी दुकान थी, आप अपनी दुकान से बचत करके पैसा जमा? डेली हम लोग जमा करते थे और आज आप घाटे में चल रहे हैं? घाटे में चल रहे हैं। आपका सहारा पैसा नहीं दे रहा? नहीं दे रहा, 2012 से पेमेंट बंद नहीं मिला हमको। तो अगर आपका पैसा नहीं मिलेगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे? इसके आगे जो कार्रवाई होगी हम लोग इसके आगे कार्य किया जाएगा, अब अभी देखते हैं हम लोग पहला बड़ा हम लोग का है, इसके आगे क्या होता है। तो इकट्ठा है, क्या बात है और आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र नारायण है और ये सारी महिलाएं जो है अपने हक के लिए सड़क पर उतर चुकी हैं। 10 साल से इंतजार करते करते इनका पैसा नहीं मिला था, आज इनकी इतनी मजबूरी बन गई है कि इनको सड़क पर उतरना पड़ा है सहारा इंडिया की वजह से। सहारा इंडिया देखिए पैसा नहीं देना चाहती है किसी को, 10 साल से हम लोगों को केवल यहाँ बेवकूफ़ बना रही है और आज हम लोगों की ये स्थिति हो गई है कि हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सहारा इंडिया के ऑफिसों पे जाना पड़ता है तो ये लोग ये कहते हैं कि हमारा सेवी के साथ विवाद चल रहा है इसलिए हम पैसा नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ये सरासर गलत बोलते हैं। क्योंकि अभी मैं बताना चाहता हूँ, 4 दिन के अंदर की उदाहरण देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2021 में कंप्लेन किया गया था, 7200 लोग मिलकर के जिलाधिकारी को कंप्लेन किया, उन लोगों ने 6 महीने के अंदर 15 करोड़ रुपया उन लोगों का जमा था ब्याज सहित। 15 दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर जब छत्तीसगढ़ पुलिस गई 4 डायरेक्टरों का सहारा के गिरफ्तार करके लेकर आई तो 3 दिन के अंदर उनको 15 करोड़ रुपया दे दिया गया। सभी आपने सहारा ऑफिस का घेराव किया है? सहारा ऑफिस का नहीं, लेकिन क्या कहते हैं कि उनके ऑफिसों के चक्कर काट काट के आज हम लोगों के पैर के चप्पल जो है, स्लीपर जो है, टूट गए, लेकिन उनके कान में जू नहीं रेंगा जाता है। आगे आपकी क्या रणनीति होगी? मेरी रणनीति बस देखिए यही है कि 28 तारीख को हम लोग जो है देश में, पूरे देश से लोग जो है जुट इकट्ठा हो रहे हैं और सहारा शहर का घिराव किया जाएगा, ताकि जब तक हम लोगों का पैसा अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग लखनऊ में ही रहेंगे सहारा शहर में, और सहारा शहर का पूरा घिराव करके जब तक सहारा श्री सुब्रत राय ये आश्वासन नहीं दे देते हैं कि आपका पैसा हम इतने तारीख तक दे देंगे, तब तक हम लोग लखनऊ से हिलेंगे नहीं।